दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आप अपने YouTube के चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो शॉर्ट्स वीडियो का जो ड्यूरेशन टाइम है वो 1 सेकंड से 59 सेकंड के बीच में रखना पड़ता है, तभी आपकी शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट फीचर्स में जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि 15 सेकंड की वीडियो तो वो अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड कर पा रहे हैं, लेकिन 15 सेकंड से जो बड़ी वीडियो है जैसे कि 20 सेकंड की, 30, 40, 50 सेकंड की है, वो यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। वो यूट्यूबर बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं कि मैं वीडियो यानी 15 सेकंड से बड़ी वीडियो अपने YouTube शॉर्ट्स में कैसे अपलोड करूं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब कि आप 15 सेकंड से बड़ी वीडियो अपने YouTube के चैनल पे कैसे अपलोड करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पे मिलेगी हर खबर डंके की चोट पर। दोस्तों यहां पे आज मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने के लिए, समझाने के लिए आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे लेके चलता हूं। आपके मेरे मोबाइल के स्क्रीन भी यहां पे देखने को मिल जा रही होगी। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे तीन तरीके से अपनी वीडियो को शूट करूंगा। पहले वीडियो शूट करूंगा यहाँ पे अपने मोबाइल को इस तरीके से पोर्ट्रेट मोड में कर करके 9:16 का रेशियो लेकर के शूट करूंगा 15 सेकंड से छोटी वीडियो। दूसरी वीडियो में शूट करूंगा 15 सेकंड से बड़ी वीडियो, इसी तरीके से मोबाइल को रख करके कैमरे से शूट करूंगा और जो कि 9:16 का रेशियो होगा, दूसरी वीडियो शूट करूंगा 15 सेकंड से बड़ी वीडियो। तीसरी वीडियो में शूट करूंगा 15 सेकंड से बड़ी वीडियो, वो भी शूट करूंगा लेकिन 9:16 का रेशियो ना लेकर के मैं इसको 69 यानी लैंडस्केप में कर करके इस तरीके से अपने मोबाइल को करके शूट करूंगा। फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको क्या करना है, किसमें क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहां पे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना ताकि आपको भी एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहां पे मैंने अपने मोबाइल का कैमरा को ऑन कर लेता हूं और आपको तीनों वीडियो शूट करके पहले दिखाता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, तो मैं वीडियो वाले ऑप्शन पे आ जाता हूं और अपने मोबाइल का यहां पे क्या करता हूं, फ्रंट कैमरा ऑन कर लेता हूं। अब दोस्तों यहां पे ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा, मैं पहली वीडियो शूट करूंगा पोर्ट्रेट मोड में 15 सेकंड से छोटी। तो यहां पे 15 सेकंड की छोटी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, टेक होम आर्या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि 15 सेकंड से बड़ी वीडियो आप अपने यूट्यूब चैनल पर कैसे अपलोड करेंगे। तो दोस्तों यहां पे मैंने करीब 9-10 सेकंड की एक 15 सेकंड से छोटी वीडियो अपने रिकॉर्ड कर लिया है। अब दूसरी वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगा 15 सेकंड से बड़ी। ध्यान से देखना दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। इसी तरीके से पोर्ट्रेट मोड में मैं फ्रंट कैमरा का इस्तेमाल करके यूज करूंगा, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड करूंगा। नमस्कार दोस्तों, टेक होम आर्या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि आप 15 सेकंड से बड़ी वीडियो अपने यूट्यूब के चैनल पे कैसे अपलोड करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं कि 15 सेकंड से बड़ी वीडियो अपने यूट्यूब के चैनल पे कैसे अपलोड किया जाता है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 22-23 सेकंड की वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया फ्रंट कैमरे से। दो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया मैंने, एक 15 सेकंड से छोटी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, एक 15 सेकंड से बड़ी। अब तीसरी वीडियो को मैं रिकॉर्ड करूंगा इस तरीके से लैंडस्केप मोड में, यानी मोबाइल को पोर्ट्रेट करके, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका भी मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, टेक होम आर्या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको पूरा A to Z एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे 15 सेकंड से बड़ी वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स 15 सेकंड से बड़ी वीडियो अपलोड करने में बहुत सारे यूट्यूबर्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि 15 सेकंड से बड़ी वीडियो आप अपने यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो कैसे अपलोड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने तीन तरीके की वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है। पहले मैंने बताया ना कि पोर्ट्रेट मोड में 15 सेकंड से छोटी, दूसरी है 15 सेकंड से बड़ी, तीसरी है 15 सेकंड से बड़ी, लेकिन मोबाइल को मैंने यहाँ पे लैंडस्केप मोड में यानी ऑटो रोटेशन मोड में मैंने शूट किया है। अब दोस्तों क्या करना है ध्यान से देखिए, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ये भी देखिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, अब अपना YouTube एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। अधिकांश दोस्तों क्या होता है कि सभी लोग YouTube एप्लीकेशन से ही शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आपको प्लस वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस प्लस वाले ऑप्शन पे आपको आ जाना है। इसी तरीके से आप भी अपलोड करते होंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे जो भी लोग शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हैं ना, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट ए शॉर्ट्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे देखिए मैंने क्रिएट शॉर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्रिएट शॉर्ट वाला ऑप्शन आ गया। अब 15 सेकंड की वीडियो जो शॉर्ट्स में अपलोड करते हैं ना, दो तरीके से अपलोड की जाती है, एक तो मोबाइल का यहाँ पे कैमरे को ऑन करके, या तो फ्रंट कैमरे को ऑन करके या तो बैक कैमरे को ऑन करके, मतलब कि
क्रिएट अ शॉर्ट में कैमरा का इस्तेमाल करके 15 सेकंड की आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जो कि इस तरीके से मैं यहां पे रिकॉर्ड भी कर सकता हूं, चाहूं तो इस तरीके से इसको प्रेस करके रखूंगा, रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए मेरी रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं यहां से कैमरा का इस्तेमाल करके भी 15 सेकंड की शॉर्ट वीडियो यहां पे अपलोड कर सकता हूं। दूसरा तरीका होता है दोस्तों कि यहां पे आप यहां पे गैलरी का ऑप्शन देखने को मिला, इस पर क्लिक करेंगे, आप अपने मोबाइल के गैलरी में चले जाएंगे और 15 सेकंड की वीडियो या उससे छोटी वीडियो आप यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों देखिए फर्स्ट वाली जो वीडियो मेरी 9 सेकंड की है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। तो फ्रेंड्स ये जैसे सेलेक्ट करूंगा, देखिए मेरा 9.8 सेकंड की वीडियो है, मैं इसको यहां पे ऐड करूंगा और इसको यहां पे नेक्स्ट करूंगा, ये प्रोसेसिंग लेगा। तो फ्रेंड्स ये मेरा जो वीडियो ना आसानी से 15 सेकंड की वीडियो यहां पे अपलोड हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां पे प्रोसेसिंग हो रहा है, देखिए नेक्स्ट करने के बाद ये अपलोड हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं यहां से कट कर देता हूं। लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम कहां पे आ रही है कि हम लोग 15 सेकंड से बड़ी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पे मैं उसका भी आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। तो फिर से मैं दोस्तों आप 15 सेकंड से बड़ी वीडियो अपलोड करके दिखाता हूं आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो यहां देखिए मैंने बीच वाली जो वीडियो है सेकंड वाली 23 सेकंड की, 15 सेकंड से बड़ी है, मैंने पोर्ट्रेट मोड में इसको रिकॉर्ड करके रखा है 9:16 का रेशियो को। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो के लिए हमेशा इसी साइज को सेलेक्ट किया जाता है, तो मैं 23 सेकंड वाली वीडियो को यहां पे रिकॉर्ड करता हूं, अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए दोस्तों यहां पे मेरी 15 सेकंड की वीडियो है 23 सेकंड की, लेकिन ये 23 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है, टोटल मैक्सिमम 15 सेकंड का ही टाइम यहां पे ऑटोमेटिक यूट्यूब सेलेक्ट कर रहा है, उससे बड़ी वीडियो सेलेक्ट नहीं हो रही है, कट जाएगी। देखिए एक कट गई, मतलब 15 सेकंड से बड़ी वीडियो आप अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसका सोल्यूशन बता दूं, पहले ये बता दूं कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो दोस्तों देखिए पहले एक टाइम ऐसा था जब YouTube पे शॉर्ट्स नहीं का फीचर्स नहीं आया था, तो क्या होता था कि लोग एक मिनट से छोटी वीडियो भी डालते थे तो उनकी नॉर्मल वीडियो अपलोड हो जाती थी। लेकिन जब से YouTube शॉर्ट्स आ गया, लोग क्या करने लगे कि एक मिनट से छोटी जब वीडियो डालने लगे तो उनकी वीडियो ऑटोमेटिक शॉर्ट्स फीचर्स में चले जाने लगे। कुछ लोग तो शॉर्ट्स की वीडियो बनाने लगे तो जाने लगी, तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि वो लोग नहीं चाहते थे कि मेरी वीडियो शॉर्ट्स फीचर्स में जाए, मतलब एक मिनट से छोटी वीडियो बनाते थे और चाहते थे कि मेरी वीडियो शॉर्ट्स में ना जाए, तो ऐसे में उनकी वीडियो जबरदस्ती शॉर्ट्स में यूट्यूब भेज देता था, यानी लेके चला जाता था। इसी को देखते हुए यूट्यूब ने अपडेट कर दिया है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर एक मिनट से छोटी वीडियो बनाते हैं तो आप YouTube Shorts में डालना चाहते हैं या नहीं। इसीलिए दोस्तों यहां पे आप 15 सेकंड से बड़ी वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। अब 15 सेकंड से बड़ी वीडियो कैसे अपलोड करेंगे इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों इसको क्या करूंगा, मैं बैक कर दूंगा। बैक करने के बाद फ्रेंड्स आपको प्लस वाला ऑप्शन देखने को मिला, प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है अपलोड ये वीडियो, जहां से आप अपने यूट्यूब वीडियो अपलोड करते हैं नॉर्मल वीडियो, इस पे आ जाना है। अब दोस्तों यहां पे मैं एक चीज और दिखा दूं, जो मैंने बताया था ना, मैंने लैंडस्केप मोड में अपने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है करीब 26 सेकंड की, उसको वीडियो को सिलेक्ट करके दिखा रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को ले लेते हैं जो आपने मैंने वीडियो इस तरीके से शूट किया हुआ है, तो फ्रेंड्स इसको मैं नेक्स्ट करूंगा तो देखिए क्या होगा। यहां पर नेक्स्ट करने के बाद आपको टाइटल वगैरह लिखने का आएगा ऑप्शन, नीचे में लिखा है अपलोड। अगर आप इस तरीके से वीडियो को शूट करेंगे, ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आप लैंडस्केप में अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करके या एडिट करके, जैसे काइंड मास्टर पावर डायरेक्टर से इस तरीके से एडिट करके, 9:16 का रेशियो नहीं होगा और 69 का रेशियो होगा, तो फ्रेंड्स यहां पे अपलोड का ऑप्शन आएगा। आप जब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके वीडियो ना नॉर्मल अपलोड होगी, शॉर्ट्स में नहीं जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको दिखाया, क्योंकि इस वीडियो का जो साइज है ना 69 का रेशियो है, और YouTube की शॉर्ट्स वीडियो का साइज क्या होना चाहिए, 9:16 का रेशियो होना चाहिए, 9:16 का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, तो अब दोस्तों यहां पे देखिए सिर्फ अपलोड का ऑप्शन आया है, YouTube शॉर्ट्स में नहीं जाएगी ये वीडियो। अब आपको YouTube शॉर्ट्स में कैसे भेजना है, तो यहां पे मैं बैक कर देता हूं। बैक करने के बाद फ्रेंड्स आप देखिए यहां पे एक चीज ध्यान से कि दोस्तों यहां पे मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड किया था जो कि है मेरी 23 सेकंड की, जो कि मैंने पोर्ट्रेट मोड में रिकॉर्ड किया था, 9:16 का रेशियो है। तो अब मैं सेकंड वाली वीडियो को यहां पे सेलेक्ट कर लूंगा। इस वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां पे देखिए 23 सेकंड की वीडियो पूरा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रही है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर फिर से नेक्स्ट मांगेगा, नेक्स्ट कर देना है, पूरी वीडियो चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके एक चीज यहां पर ध्यान से देखिए, जैसे दोस्तों मैंने नेक्स्ट किया, यहां पर मेरा टाइटल लिखने का ऑप्शन आ रहा है। टाइटल लिखने के बाद दोस्तों यहां पर लिखा है अपलोड ए शॉर्ट, पहले सिर्फ अपलोड था, अब लिख दिया अपलोड ए शॉर्ट, मतलब कि फ्रेंड्स अब मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा ना तो ये शॉर्ट में चली जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो का जो साइज है ना इस तरीके से शूट किया था मोबाइल को, मतलब 9:16 का रेशियो सेलेक्ट किया था। बहुत सारे यूट्यूबर यहीं पे मिस्टेक कर दे रहे हैं, इस तरीके से वीडियो शूट की हुई है, और तो फ्रेंड्स वो आपका शॉर्ट्स में नहीं जाएगा। तो जब भी आपको यूट्यूब शॉर्ट्स में 15 सेकंड से बड़ी वीडियो को अपलोड करना है, तो फ्रेंड्स यहां पे हमेशा आपको इस तरीके से फ्रंट कैमरे से शूट करना है, या वीडियो को जब भी एडिट करें किसी एप्लीकेशन से, जैसे काइंड मास्टर पावर डायरेक्टर या फिल्मोरा एप्लीकेशन से जो भी है, तो वहां पर 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करके उसको एक्सपोर्ट करें, तभी आपके वीडियो 15 सेकंड से बड़ी वीडियो आप यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड कर पाएंगे और आपकी वीडियो मतलब कि शॉर्ट्स फीचर्स में जाएगी। तो यहां पर
223 सेकंड की वीडियो है, देखिए मैंने इसको अपलोड कर दिया, ये अपलोड हो रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप 15 सेकंड से बड़ी वीडियो YouTube शॉर्ट्स में अपलोड कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा दोस्तों आपको बड़ा देखने को मिली होगी, मतलब बड़ी देखने को मिली होगी, लेकिन आई होप कि फ्रेंड्स आपको अब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूं मैंने और सब कुछ समझ में भी आ गया होगा कि 15 सेकंड से बड़ी वीडियो आप YouTube शॉर्ट्स में कैसे अपलोड करेंगे जिसका ड्यूरेशन 1 मिनट से छोटा होना चाहिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करना, प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों यहां पे ऐसी हेल्पफुल नॉलेज आपको देखने को मिलती है। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।